इंडिया गठबंधन का पूर्णिया अध्याय, पप्पू यादव पर क्यों नहीं बनी राय। गठबंधन हो चुका, अब उसमें कोई सवाल नहीं बचता है। सीट शेयरिंग हो चुका, ये सब सवाल का जवाब कल ही मिल चुका है, अब इसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं। बीमा भारती को हरी झंडी, पप्पू यादव की नहीं चली। हम लोगों ने तो उनको यहाँ स्वागत कर ही लिया है, दुनिया में वो लोकप्रिय। बाद में क्या होगा, कुछ मामले में हाईएस्ट लीडरशिप से बात कीजिए। हमने और पूर्णिया की जनता की भावनाओं को अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हमने पहुंचा दिए। दो मोर्चे पर बाहुबली का विरोध, न टिकट मिला, साथी भी गए छोड़। जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो 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 मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं था। पप्पू यादव का प्लान नाकाम, क्या बगावत कर लड़ेंगे चुनाव? और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है आदरणीय पप्पू जी हैं। कांग्रेस ने अपना पार्टी को विलय किए हैं, उम्मीद है कि नहीं लड़ेंगे, हमको साथ हो देंगे। एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया का खेल, पप्पू पास या फेल। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इस वक्त हम बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 6ठी बार संसद पहुंच पाएंगे या पूर्णिया के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर चुनाव में शामिल होने से पहले ही फेल हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, वहां पर गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं, हमको हमारी ही माँ से आप छीनना चाहते हैं। सब कुछ समर्पण कर दी, अब तो तय कांग्रेस को कर रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। बस एक ही यादव है और कोई नहीं है यादव, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ ना, मेरा भी घर तो पूर्णिया कोसी सीमांचल है। जब अकेले थे तो पूर्णिया से 3 बार जीते, 1991, 1996 और 1999। 24 में पूर्णिया से जीत का चौका लगाने की जब बारी आई तो सियासी किस्मत को कांग्रेस के हवाले कर दिया। मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना, मेरा तो सब कुछ समर्पण कर दी, अब तो तय कांग्रेस को कर रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूं। कांग्रेस को निर्णय लेना है पप्पू यादव के बारे में। लेकिन कांग्रेस ने पूर्णिया का मैदान लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को दे दिया है। इस फैसले ने पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा, फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है, 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। पप्पू यादव कसम खाते रह गए लेकिन बासी हाथ से निकल गई।
पूर्णिया उनसे दूर हो गए। जिस उम्मीद से कांग्रेस में पार्टी का विलय कराया वो सपने भी आरजेडी की बीमा भारती के नाम के ऐलान के साथ ही टूट गए। सियासी ख्वाबों के टूटने का दर्द पप्पू यादव के बयानों में भी दिखने लगा है। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल की पूरी कमाई मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना, मैं खून, मैंने उस विश्वास को, उस विचार को आत्मसात किया ना जिसमें देश को बचाना था। पप्पू यादव पूर्णिया से टिकट न मिलने का जिम्मेदार आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को ठहरा रहे हैं। धोखा और पीठ में खंजर घोपने का आरोप लगाते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा था कि लालू के प्रस्ताव को नहीं माना, शायद इसी वजह से उन्हें पूर्णिया से दूर किया गया। जब जिस वक्त वो हमको बुलाए थे उस वक्त उन्होंने तो मधेपुरा के बारे में उन्होंने कही, मधेपुरा सुपौल ले लीजिए और आप मर्ज कर जाए। हम तो ऐसा कुछ नहीं कहे, ना मेरी कोई बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि पूर्णिया के बारे में हम आए हैं गार्जियन आपसे बात करने, मेरे लिए पिता की तरह हैं। टिकट ना मिलने से पप्पू के तेवर तल्ख हो गए हैं। गठबंधन में होते हुए भी आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। पप्पू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर देंगे। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। सवाल ये भी है कि अपने दम पर राजनीति करने वाले बाहुबली को आखिर कांग्रेस और आरजेडी के आशीर्वाद की जरूरत क्यों पड़ी। क्या पप्पू यादव की राजनीति पहले से कमजोर हो गई है या मझधार में फंस गई है। पप्पू यादव को कांग्रेस में विलय से तो एक सीधा नुकसान यह दिखाई पड़ता है कि पप्पू यादव की एक अपनी पहचान कोसी और सीमांचल में कह लीजिए या फिर बिहार में के हर पॉकेट में पप्पू यादव के 10,000-20,000 समर्थक हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से पप्पू यादव अगर कांग्रेस में विलय नहीं करते तो पप्पू यादव अपनी पहचान से वह चुनाव लड़ते तो वह मजबूती के साथ वह लड़ते। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिस पर अपराध के कई दाग हैं। 90 के दशक में जब मंडल की राजनीति देश की सियासत को प्रभावित कर रही थी, जब लालू का कद बिहार में बड़ा हो रहा था, उस वक्त पप्पू यादव अकेले मैदान में उतरे और जीत हासिल की। वो 1990 का साल था। पप्पू यादव मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे और विधानसभा का चुनाव जीते। तब पप्पू यादव की उम्र सर्टिफिकेट में 23 साल थी और एफिडेविट में 25 साल। इस पर हंगामा भी हुआ, लेकिन पप्पू यादव इन विवादों के बीच से एक चेहरा बनकर उभरे। 90 के दशक में पप्पू यादव का बाहुबली के रूप में छवि थी और बिहार का माहौल जो था पप्पू यादव और आनंद मोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। कोसी बेल्ट का पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था, 2 बाहुबली आनंद मोहन और पप्पू यादव ने 2 धुरी, 2 जातियों को लड़ाने का काम किया। आनंद मोहन राजपूत समाज के नेता बन गए, राजपूत और यादव में लड़ाई करवाए और दोनों नेता बन करके वोट हासिल करते रहे। पप्पू यादव पहला चुनाव मधेपुरा से जीते, लेकिन 24 दिसंबर 1967 को पूर्णिया में जन्मे राजेश रंजन ने अपनी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बना ली और 1991 में लोकसभा के लिए ताल ठोक दी। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया से 1991, 1996 और 1999 लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2004 और 2014 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से जीते, लेकिन लालू से मनमुटाव होने के बाद 2015 में आरजेडी से अलग होकर पूर्णिया में फिर से अपनी जड़ों को मजबूत करने लगे। मधेपुरा में, सुपौल में मैडम लड़ती थी, मेरी माँ 32,000 से मात्र चुनाव हारी थी बीजेपी से।
और हम नहीं थे चुनाव में यहाँ, हम को डिटेन कर लिया गया था और हम कभी चुनाव नहीं हारे पूर्णिया से, ना हराया हमको पब्लिक। पप्पू यादव अपने दम पर न सिर्फ खुद को राजनीति में स्थापित किया बल्कि पत्नी रंजीत रंजन को भी संसद भेजने में कामयाब रहे। लंबे वक्त तक पप्पू यादव की राजनीति जेल और जनता के बीच चलती रही। जब से सोशल मीडिया का दौर आया तब से तस्वीरों के जरिए जनसेवा के दावे भी करते हैं और अपने आप को बिहार का एक बड़ा लीडर बताने की कोशिश करते हैं। पप्पू यादव पर एक समय था 90 से लेकर के कहा जाए कि 2005 तक और कहा जाए कि मोटा मोटी 2010 तक, उसके बाद अब पिछले 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड जो था बाहुबली का था, आनंद मोहन सजा काट चुके, पप्पू यादव भी बहुत दिन जेल में रहे, तिहाड़ जेल में रहे पप्पू यादव, मुझे लगता है कि 10 वर्षों तक वो जेल में रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।